बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। ये देखो, मैंने ये झींगा को साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद में अब मैं इसको बनाऊंगी, दिखाऊंगी किस तरह बनाते हैं। ये देखो झींगा है, इसके लिए मैंने फ़ौरन काट लिया है। अनियन है, ग्रीन चिली है और करी लीफ और टमाटर। अच्छा, मैं देखो ये गरमा रही हूँ। ये देखो चूल्हा में भर दिया है। अब इसमें मैं जीरा डालती हूँ, मेथी थोड़ा से डालती हूँ और थोड़ा से सरसों, मस्टर्ड सीड, वो पकने लगा है। तेल अच्छा से गर्माने लगा है आस्ते आस्ते। अब मैं इसमें अनियन डालती हूँ, डाल दिया है। अनियन फ्राई होने लगा है। डालती हूँ और ग्रीन चिली डालती हूँ क्योंकि ये रेड हो गया है, जाने लगा है। इसके बाद में मैं डालती हूँ हल्दी, टर्मरिक पाउडर, तो आज कम कर दिया है। अब मैं नमक डालती हूँ, डालने के बाद में अब ये मैं झींगा डालती हूँ। झींगा को ड्राई करके एक एक निकाल के डालती हूँ। अब इसको खूब अच्छे से मैं चला देती हूँ। अब ये बुझाने लगा है। अब मैं इसमें मसाला डालती हूँ, मैं मसाला डाल देती हूँ। मसाला डाल दिया है। अब खूब अच्छी तरह से इसको भूनना है। अब ये देखो कितना अच्छे से भुजा गया। अब इसमें मैं टमाटर डालती हूँ। देखो टमाटर डाल दिया है। अब इसको खूब अच्छा से 10 मिनट तक पका लो, सुंदर से राइस के साथ खाने का हो जाएगा। जोर कर देती हूँ। माशाल्लाह, देखो कितना सुंदर से ये पक रहा है। अभी इसमें धनिया डाल देगा। धनिया बनने के बाद में तो फिर इसको ऑफ कर दूंगी मैं, तो राइस के साथ में टेस्टी रहेगा। अल्लाह हाफिज़। देखो कितना सुंदर से ये हो गया है। इसमें मैं अब डालती हूँ थोड़ा से जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने के बाद में अब इसमें मैं डालती हूँ धनिया। देखो धनिया डाल दिया है। अब इसको खूब अच्छी तरह से चला दो।
इतना सुंदर से ये हो गया है। यामी माशाल्लाह, या देखो राइस के साथ, कुकम्बर के साथ ये कितना टेस्टी लग रहा है। देखो, लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अल्लाह हाफिज़।